नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है गार्डन सफारी में। दोस्तों, आज हम ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो इंडोर है, जिन्हें कटिंग से लगाना बहुत आसान है। फरवरी का लास्ट टाइम चल रहा है, बट अभी भी हम चाहें तो इन कटिंग्स को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ये फर्स्ट प्लांट है मनी प्लांट। सबसे ईजी है इसकी कटिंग लगाना और ये बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। इसमें एरियल रूट्स निकलती है, तो इनको आप काट के पानी में प्रोपोगेट कर सकते हैं। सेकेंड प्लांट है शेफलेरा। ये वेरीगेटेड है और ये ग्रीन है। ये बहुत ईजिली प्रोपोगेट हो जाता है कटिंग से। इसमें अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ब्रांचेस निकलती रहती है, तो इस तरीके से जो ब्रांचेस हैं इनको थोड़ा सा और बड़ा होने पे आप कटिंग कर सकते हैं, या फिर ये इस तरह से स्टेम से भी आप कटिंग करके इसे ईजिली लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है जेड। ये भी बहुत आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। इस पर मैंने वीडियोज़ भी बनाई है। ये देखिए, मैंने ये सारे कटिंग से ही लगाए हुए हैं। ये पत्ती से भी लग जाता है, तो चलिए जल्दी से आपको बता देती हूँ इसे कैसे लगाना है। कोई भी आप ब्रांच ले लीजिए, थोड़ी सी पत्तियाँ नीचे से आप उसकी हटा दीजिए। टॉयल आप पहले से तैयार रखिए। इसमें छोटी से छोटी ब्रांच को भी आप लगा सकते हैं और आप इसमें पत्तियों को भी लगा सकते हैं, तो इसे बहुत ईजिली आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट जो है हमारा वो है स्नेक प्लांट। इसे भी बहुत आसानी से आप कटिंग से लगा सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। ये देखिए, सारे जो प्लांट्स हैं ये मैंने कटिंग से ही लगाए हैं। इसकी अगर कोई भी आपकी ब्रांच टूट जाती है तो उसे फेंकिए मत, उसकी आप कटिंग लगा दीजिए। ये वाला प्लांट भी कटिंग से ही लगा हुआ है, तो इसको भी बहुत ईजी प्रोपोगेट करना, इसे भी आप ट्राई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट प्लांट है स्पाइडर प्लांट। ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है प्रोपोगेट करना, और इसमें देखिए अभी इसका ग्रोइंग सीज़न चल रहा है, तो इस तरह से इसमें बेबी पफ्स निकलते हैं, ये स्पाइक्स निकलते रहते हैं। तो ये जो स्पाइक्स है ये जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इस तरह से दिखने लगते हैं, और इसी के पीछे की तरफ आप देखेंगे तो आपको एरियल रूट्स दिखाई देंगी। इन्हीं को कट करके आप लगा लीजिए। देखिए, अभी मैंने लगाए हैं रिसेंटली, ये कुछ टाइम पहले लगाए थे, और ये छोटू सा मेरे बेटे ने लगाया है। नेक्स्ट प्लांट जो है हमारा वो है क्रोटॉन। ये भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ धूप कम है और फ्लावरिंग प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो इसे आप लगा सकते हैं। ये भी देखिए, यहाँ से आप कटिंग लगाएंगे तो ईजिली लग जाएगी, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरीगेटेड पत्तियाँ आपको दिखेंगी, तो आपको फूलों की कमी महसूस नहीं होंगी। हमारी लिस्ट में जो नेक्स्ट प्लांट है वो है टेंगल हार्ट वाइन। ये बहुत ही सुंदर एक हैंगिंग प्लांट है। इसको आप जहाँ भी लगाएंगे ये पूरा सरफेस कवर कर लेगा, और इसे भी कटिंग से लगाना बहुत आसान है। तो इसको आप नॉड एरिया से कट कर लीजिए, और अगेन सबको लगाने का सेम ही तरीका है, जैसे आपने जेड को लगाया है वैसे ही आप इसे भी लगा सकते हैं। ये कोलियस, ये हमारा नेक्स्ट प्लांट है। इसे भी कटिंग से बहुत ईजिली लगा सकते हैं, और अगर आपके एरिया में धूप कम आती है तो इसे आप लगा सकते हैं, ये फूलों की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देगा। अगला प्लांट है हमारा कैलनकोई या कलांचो। इसे भी कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये भी साल भर रहने वाला, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। इसको आप पत्तियों से बहुत ईजिली प्रोपोगेट कर सकते हैं, तो पत्तियों को सिंपल आप सॉइल में लगा दीजिए, ये प्रोपोगेट हो जाते हैं। ये है नेक्स्ट प्लांट जीजी प्लांट। इसे भी बहुत आसानी से आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसे रूट से भी आप प्रोपोगेट कर सकते हैं डिवाइड करके, और पत्तियों से भी प्रोपोगेट किया जा सकता है। ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसे हर चीज़ कम चाहिए, मतलब धूप, पानी, खाद, तो ये काफ़ी अच्छा इंडोर प्लांट है, और इसे प्रोपोगेट करना भी आसान है। नेक्स्ट प्लांट है सिंगोनियम। इसको कटिंग से लगाना बहुत आसान है। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं लिस्ट में जिनकी वीडियोज़ है, वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्लांट है वॉन्डरिंग जू। इसको भी बहुत ईजिली कटिंग से आप लगा सकते हैं। नॉड एरिया से कटिंग लेके ईजिली लगाया जा सकता है। ये इंग्लिश आईवी, इसको भी सेम नॉड एरिया से कटिंग लेके आप ईजिली लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है टर्टल वाइन। ये भी एक हैंगिंग प्लांट है। इसको भी आप नॉड एरिया से कटिंग लेके बहुत ईजिली लगा सकते हैं। ये भी पूरा सर्फेस कवर कर लेता है। यह है डेफन बेकिया। इसको भी आप कटिंग से बहुत आराम से लगा सकते हैं। बहुत कॉमनली आपको देखने को मिल जाता है घरों में। यह है मॉन्स्टेरा। इसके भी एरियल रूट्स निकलते रहते हैं, तो इनको भी आप नॉड एरिया से कटिंग करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लांट्स की ऐसी ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही आप कॉमेंट्स भी कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको जल्द ही। कीप प्लांटिंग।